ज ऑफ आवर सेल सिग्नलिंग प्रीवियस वीडियो में जीपीसीआर के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एक पाथवे कैम्पे सी एम पी साइक् पाथवे भी हम पार्ट फाइव यानी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं तो जीपीसीआर का ही एक नेक्स्ट पाथवे है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ट्रिगर होता है जिसमें वेरियस काइंड ऑफ लीगेंड होते हैं जीपीसीआर के तो एक ऐसा ही पाथवे आईपी थ्री डेट पाथवे जिसे हम पीएलसी बीटा पाथवे भी कहते हैं तो उस पाथवे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टर प्रोटीन क्या होते हैं रिसेप्टर्स क्या है जीपीसीआर क्या है जीपीसीआर एक्टिव कैसे होता है जी प्रोटीन एक्टिव कैसे करता है इन सब के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए तो बेसिकली इस पाथवे में होता क्या है ये भी जीपीसीआर का एक पाथवे है यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक पाथवे है तो यहाँ पर वो रिसेप्टर है सरपन रिसेप्टर जिसे हम जीपीसीआर कहते हैं

अब ये प्रोटीन जो होता है अपनी अल्फा डोमेन के अकॉर्डिंग ये जी प्रोटीन है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन हेट्रोट्राइमेरिक क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग यूनिट है तो ये हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है इन एक्टिव स्टेट में ये जीडीपी से बाइंड होता है और एक्टिव होने के बाद अल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाइंड हो जाती है और बीटा गामा अलग हो जाते हैं तो ये दोनों ही एक्टिवेटेड डोमेन कहलाते हैं जी प्रोटीन के अल्फा जीटीपी भी और बीटा गामा भी तो अल्फा सब यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के जी प्रोटीन होते थे हमने प्रीवियस पाथवे में पढ़ा था जी एस जी एल्फा एस या जी यानी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन ऐसे जो प्रो, जी प्रोटीन जो एक्टिव होने पर किसी चीज को एक्टिवेट करते हैं और खासकर एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एडेनाइलेट साइक्लेज वो जी थे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन थे कुछ ऐसे जी प्रोटीन जो एडेनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करते हैं देखिए एडेनाइलिट साइक्लिस है क्या ये एक इफेक्टर प्रोटीन है प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं और कैम्प पाथवे में भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था तो को एक्टिवेट करने वाले जी एस जी स्टिमुलेटेड जी प्रोटीन होते हैं और इनहिबिट करने वाले जी इनहिबिटरी प्रोटीन होते हैं तो आज हम एक तीसरे तरह के जी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे ये टेबल हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएस क्या है जी क्या है और तीसरा है जी तो जी क्यू जो है यह भी एक जी प्रोटीन है जो एक्टिवेट करता है ठीक है जी प्रोटीन है जो एक्टिव होने पर इफेक्टर प्रोटीन पी एल सी बीटा को एक्टिवेट करता है तो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन एक्टिवेट करता था एडिनाइलेट साइक्लेज इफेक्टर प्रोटीन को यह एक इफेक्टर प्रोटीन है जी आई इनहिबिट करता था एक इफेक्टर प्रोटीन एंडेनाइलेट साइक्लेज को ही और जी क्यू एक्टिवेट करता है एक इफेक्टर प्रोटीन पी एल सी बीटा को तो पीएलसी बीटा को हम कहते हैं ये PLC बीटा एक प्रोटीन है, तो ये को करेगा और वो अपना काम यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे जी क्यू प्रोटीन जो है जी क्यू इज अ टाइप ऑफ जी प्रोटीन अलग अलग तरह के जी प्रोटीन होते हैं बीस तरह के अल्फा सब यूनिट के बेसिस पर तो यहां हम बेसिकली जी अल्फा क्यू जी क्यू टाइप का जो प्रोटीन जी प्रोटीन है उसकी सिग्नलिंग पढ़ेंगे जो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम सी सी बीटा को। सी बीटा को को जो है है ये क्लीव करता फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फेट ग्रुप पर से क्योंकि नाम से पता चल रहा है फॉस्फोलाइपेज तो ये लिपिड ब्रेकिंग है और फॉस्फेट ग्रुप पर ब्रेक करता है लिपिड्स को जिससे सेकेंडरी मैसेजर जो हम एक्टिवेट होंगे और वो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्ट वीडियो बेसिकली so जो फॉसोलाइपेज सी बीटा एंजाइम है या फॉसोलाइपे सी जो एंजाइम होते हैं जो क्लीव करते हैं फॉसफोलिपिड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फेट ग्रुप से वो चार तरह के हो सकते हैं मेमल्स में, में वो हो सकते हैं पीएलसी बीटा गामा डेल्टा और एफसाइलन तो बेसिकली हम बीटा टाइप की डिस्कस करेंगे पीएलसी बीटा हो सकते हैं पीएलसी गामा हो सकते हैं पीएलसी डेल्टा हो सकते हैं और पीएलसी एफसाइलन हो सकते हैं

या अलग अलग तरह के जो आपके स्टिमुलस हैं जैसे कि आपका एनजीओ टेंसिन टू ये भी हो सकता है तो इस केस में आईपी थ्री पाथवे में जो है भी होते हैं तो क्योंकि रिसेप्टर तो जीपीसीआर है तो वेरियस काइंड ऑफ लीग हो सकते हैं कहां स्पेसिफिकली आईपी थ्री डेग पाथवे होता है हम सिग्निफिकेंस में डिस्कस करेंगे अदरवाइज जीपीसीआर के लिए ये सारे रिसेप्टर जो है लीग हो सकते हैं अब लीग के आने पर रिसेप्टर एक्टिवेट होता है यहां पर देखिए तो मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं अभी अगर पाथवे की बात करें तो लीगेंड आने पर लीगेंड जो है आता है रिसेप्टर एक्टिव रहता है हम जानते हैं जब रिसेप्टर एक्टिव होते हैं तो जी प्रोटीन यानी यहां पर जी क्यू प्रोटीन है ये भी एक्टिव रहेगा एक्टिव होने पर अल्फा बीटा गामा जो तीन सब यूनिट थी वो कुछ इस तरह से होती है कि अल्फा जीटीपी अलग बाइंड होते हैं बीटा गामा अलग बाइंड होते हैं तो ये एक्टिव जी प्रोटीन है ये हम GPCR में भी पढ़ चुके हैं एक्टिव जी प्रोटीन कैसे एक्टिव होता है ये आप जरूर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं सेल साइकिल के तो सॉरी सेल सिग्नलिंग के तो कॉन्टिन्यूटी में ही हम सेल सिग्नलिंग को समझेंगे तो बेटर जो है अंडरस्टैंड होता है हर एक पाथ में अब एक्टिवेटेड जो जी क्यू प्रोटीन है ये एक्टिवेट करता है जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट करता है एक एंजाइम सी सी बीटा बीटा को का, का काम ही जो है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना है फॉस्फोलिपिड्स को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड पीएलसी बीटा जो है वो क्लीव करता है उसको जिसका नाम है पीआईपी टू यहां पर मैंने लिखा भी है फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल फोर फाइव बाई फॉस्फेट तो पीआईपी टू जो है ये एक फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलाइपेज का काम ही फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करना है तो पीआईपी टू को जब क्लीव किया जाता है तो ये दो सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है द ब्रेक डाउन ऑफ पीआईपी एक्टिवेट्स टू सेकेंडरी मैसेजर्स हमने ये कंसेप्ट किया है कि सेकेंडरी एक्टिवेट हो सकते हैं जैसे कि साइक्लिक एएमपी पाथवे में था वहां पर कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर था यहां पर भी सेकेंडरी मैसेंजर है अभी जैसे कि आपका डैग और आईपी थ्री तो इस पाथवे को अगर आप देखेंगे मैं आज बताता हूं लीगेंट आया रिसेप्टर एक्टिव जी प्रोटीन एक्टिव जी क्यू प्रोटीन बेसिकली है तो जी प्रोटीन लेकिन टाइप क्या है जी क्यू

इनोसिटोल वन फोर फाइव ट्राई फोस्वेट आईपी थ्री मॉलिक्यूल और डी ए जी डाइ असाइल ग्लिस्टर मॉलिक्यूल ये दोनों सेकेंडरीजर है जिन्हें एक्टिवेट किया पी के क्लीवेज ने और पी टू का क्लीव होना डिपेंड कर रहा था फॉस्वल बीटा पर और फॉसफोलाइपेज बीटा को एक्टिवेट कर रहा था जीक्यू और जीक्यू एक्टिवेट हुआ था जीपीसीआर से और जीपीसीआर एक्टिव हुए थे से. तो ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में क्रोनोलॉजी बताई लीगेंट आया जीपीसीआर एक्टिव जी प्रोटीन एक्टिव फॉसोलाइपेज बीटा एक्टिव इसने क्लीव किया पी आई को क्लीव होते ही डैग और आईपी थ्री एक्टिव तो डैग तो मेम्ब्रेन बाउंड ही रहता है अभी डैग के बारे में हम बात करेंगे आईपी थ्री देखिए क्या करेगा आईपी थ्री जो है ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर टू ईआर। आर ध्यान से समझिए टू ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसके रिसेप्टर्स हैं आईपी रिसेप्टर ये उनके पास जाएगा ये जो रिसेप्टर होते हैं ना ईआर ER में यहां मैं अलग से दिखाता हूं ल्यूमन ल्यूमन जिसमें हाई अमाउंट में कैल्शियम भरे पड़े हैं उनका ट्रांसलोकेटर चैनल नहीं है देखिए तो लीगेंड गेटेड चैनल, चैनल क्या हैं हमने पर्टिकुलर लीगेंड के आने पर ही खुलते हैं तो क्योंकि आईपी रिसेप्टर चैनल है या थ्री लीगेंड गेटेड चैनल है तो जैसे ही आईपी आएगा ये गेट ओपन हो जाएगा तो आईपी थ्री अब आ गया देखिए आईपी थ्री मॉलिक्यूल आया कैसे आया पी टू के क्ली होने से एज ए सेकेंडरी मैसेंजर आईपी थ्री आया उसने ई e को खोल दिया तो कैल्शियम बाहर आने लगेंगे कैल्शियम रिलीज इन टू साइटोसोल जो रिलीज होने लगे अब आप जानते हैं जब कैल्शियम सेल के अंदर रिलीज होता है तो एज ए सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज को वो एक्टिवेट करता है या वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा तो देखो किस चीज का इफेक्ट कहां तक गया एक लीगेंट आने का इफेक्ट

तो आईपी थ्री का तो हमने देख लिया कि वो ईआर के पास गया उसने कैल्शियम रिलीज किए अब हम देखते हैं डायसाइल ग्लिसरॉल डायसाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा ये जो है एक एंजाइम पी काइनेज प्रोटीन सी। इसको एक्टिव करेगा यहां मैंने लिखा भी है पी ध्यान से देखिए पीकेसी यहां पर दिखा है तो फाइनली पी के सी एक्टिवेट हुआ देखिए डायसाइल ग्लिस्ट्रॉल तो एक्टिवेट करता ही करता है प्रोटीन काइनेसी को प्लस प्रोटीन काइनेसी को कैल्शियम आयन स्टिमुलेट भी करते हैं और कैल्शियम आयन कहां से निकल रहे हैं देखो ईआर ER से निकल कर आ रहे हैं अब ये चीज देखिए ये कैल्शियम आयन ये इस चैनल के थ्रू बाहर आ रहे हैं और यहां मैंने ये एरो के थ्रू दिखाया भी है कि कैल्शियम जाकर बाइंड कर रहा है प्रोटीन काइनेस सी से भी तो कैल्शियम का बाहर आने का मकसद केवल ये नहीं है कि वो पीके से ही बाइंड करे केसी प्रोटीन काइनेस को तो डैग एक्टिवेट करेगा डायसाइड्रोल जो दूसरा टुकड़ा था पी टू का आईपी थ्री के अलावा एक तो आईपी थ्री बना था दूसरासी तो को और प्रमोट करते हैं कैल्शियम कैल्शियम नहीं भी होंगे तब भी प्रोटीन एक्टिव है लेकिन कैल्शियम चैनल सॉरी कैल्शियम जो आयंस हैं वो उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाते हैं तो एक तरह से आईपी थ्री भी मदद कर रहा है पीकेसी की कैल्शियम को बाहर रिलीज करके कैल्शियम खुद के भी पाथवे शो करेगा अंडाउटेडली और साथ ही साथ पीकेसी को भी और एक्टिव करेगा यानी डीएजी की भी मदद करेगा तो आईपी थ्री भी इनडायरेक्टली डीएजी की मदद कर रहा है और फाइनली प्रोटीन काइनेज सी हमने पढ़ा था पाथवे में ऐसे ही यहां पर एक एंजाइम प्रोटीन काइनेज सी जो है ये एक्टिव होगा फाइनली मैं आपको एक चीज और बता दूं जो खुद पीएलसी बीटा एंजाइम है इसको भी काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए अगर आप कहेंगे कैल्शियम चैनल तो खुले ही नहीं तो इसको कैल्शियम कहां से मिला कैल्शियम चैनल खुलने से अमाउंट बढ़ गया कैल्शियम का बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया लेकिन कैल्शियम ऑलरेडी भी साइटोप्लाज्म में होता ही है तो ध्यान रखिएगा फॉसवल आइपिस बी एंजाइम जो है इसका भी को कैल्शियम है इसका वाले चैनल से कोई लिंक नहीं है कोई कंफ्यूज नहीं होना हमें मैंने आपको चाहिए लेकिन आईपी थ्री जो वो पूरी तरह से को देता है, से बहुत सारे एक्टिवेट करने में अब हम देखते हैं कि प्रोटीन काइनेस सी जो है ये सेल के अंदर क्या करेगा तो ये क्या करता है ये काइनेज है प्रोटीन काइनेज सी इस पूरे पाथवे का जो लास्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन सी देखिए वो एक्टिवेट होने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से प्रोटीन काइनेज सी जिसको डैग ने एक्टिवेट किया ने और कैल्शियम ने सपोर्ट किया और एक्टिवेट किया PIP2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट था कैल्शियम आई आईपी थ्री ने जो चैनल खोला आईपी रिसेप्टर से और फिर कैल्शियम चैनल खोले तो ये एक तरह का काइनेज है जो फॉस्फोराइलेट करता है बहुत सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट मल्टीपल टारगेट प्रोटीन प्रोटीन गाइनिज भी सिरिन या थ्रोनिन पर ही करता था यह भी सीरनिन या थ्रोनिन पर ही करता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि कोई भी वर्क सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है उसको कराने के लिए कोई कोई एंजाइम या प्रोटीन 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 चाहिए एक्स एक्स मान लीजिए भी वर्क करता है फॉर एग्जाम्पल किसी एंजाइम को या डाइजेस्टिव एंजाइम है ये तो किसी सबस्ट्रेट को तोड़ता है सपोज ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन कराता है ठीक है एक, 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 एक है केवल ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ये कराता है एक्स प्रोटीन एक्स प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए समझ लीजिए आपको चाहिए प्रोटीन काइनेज सी तो इस प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन देखो कितने लंबे चौड़े एक पांचवे से हुआ अब पी के सी इसको फास्फोराइलेट करके एक्टिव कराएगा एक्स प्रोटीन को फास्फोराइलेट कहां करेगा क्योंकि एक्स एक प्रोटीन है तो बना हुआ है माइनसिड से तो जो भी टारगेट प्रोटीन होते हैं ना जो भी टारगेट प्रोटीन उनको सीरिन या थ्रोनिन पर फॉस्फोराट करके प्रोटीन काइनेज सी काइनेज नाम से ही पता चलता है आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी या आपने सेल बायो के लेक्चर्स देखे हैं तो काइनेज एंजाइम फॉस्फोराशन करते हैं तो ये फोस्लेशन करते हैं टारगेट प्रोटीन्स का और उनको एक्टिवेट करते हैं और कहा फोस्लेशन करते हैं या तो उनके सिरिन एसिड पर या उनके थ्रियोनि एसिड पर तो ये काम होता है

पीआईपी तो टू को ये क्लीव करता है पी टू जो एक आ, जो है फॉस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन का और लाइपेज सी का मतलब ही है लिपिड को तोड़ने वाला तो पी टू को तोड़कर दो सेकेंडरी मैसेजर एक डाइ डैग और दूसरा आईपी थ्री ये एक्टिवेट होते हैं डैग पीके सी प्रोटीन गाइन एस सी को एक्टिवेट करता है जो आना लास्ट प्रोडक्ट है इस पाथवे का अभी मैंने बताया जिसके बारे में और आईपी थ्री चला जाता है ई ER मेम्ब्रेन पर ई ER मेम्ब्रेन में आईपी थ्री के रिसेप्टर हैं जो जो कैल्शियम चैनल्स को खोलते हैं क्योंकि वो जो वो चैनल था था गेटेड आएगा तो ही खुलेगा और देखिए आईपी थ्री आ गया तो खुलते ही कैल्शियम आयन आ जाते हैं कहां पर साइटोसोल में ये कैल्शियम आयन खुद का सिग्नल ट्रांजेक्शन तो करते ही करते हैं कई सेल पाथवेज को कराएंगे या सिग्नल ट्रांसैक्शन जो भी सेल ने देना है साथ ही साथ ये प्रोटीन काइनेस सी को और एक्टिवेट कराते हैं मदद करते हैं उसको डैग के साथ एक्टिवेट करने में और प्रोटीन काइनेस सी टारगेट प्रोटीन को फर्स्ट कर, कर सिग्नल ट्रांसडक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन जब भी मैं हर बार बोलता हूं तो इंट्रोडक्शन में या बेसिक में भी मैंने बताया हुआ है या भी मैं आपको बता दू सेल रिस्पॉन्स है इसका मतलब कि सेल रिस्पॉन्स कैसे कर रही है किसी लीग के आने पर तो ये सारा सेल सिग्नलिंग है आईपी थ्री डेग पाथवे आईपी थ्री का मतलब हमारा ये जो है सेकेंडरी मैसेजर और डैग का मतलब भी है सेकेंडरी मैसेजर इसे पीएलसी बीटा पाथवे भी कह सकते हैं तो ये जीपीसीआर के ही पाथवे है अब हम देखते हैं कि प्रोटीन काइन एच का इंपॉर्टेंस क्या है ये कुछ फंक्शन है सी के आईपी थ्री जो पर्टिकुलर सेकेंडरी से था जो प्रोटीन सी होता है ये काफी सारे अदर को जो है करके रेंज ऑफ प्रोटीन बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जिनके बारे में सेपरेट किसी सिग्नलिंग पाथवे में आप पढ़ेंगे या जब वो कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी में जब आप कार्ड सीसी फैमिली या एन एफ के जो के बी एक्टिवेशन है उनको जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी प्रोटीन काइन सी ऐसे एंजाइम है जो उनको फॉस्फ्राइलेट करके एक्टिव करते हैं तो ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन कराते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को भी मॉड्यूलेट करते हैं कई तरह के प्रोटीन्स को फॉसलेट करके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में भी इनका बहुत ज्यादा रोल है साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी केवल मसल ही नहीं अलग अलग तरह की मसल्स चाहे वो आईज के हों ठीक है चाहे वो चेस्ट के हों या कई तरह के जो मसल्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं कॉन्ट्रेक्शन में भी खासकर आईपी थ्री की अगर हम बात करें सेकेंडरी मैसेंजर की वो तो हमारा काइनेस था फाइनली जो एक्टिवेट हुआ था तो ये भी मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है कैल्शियम आयंस को रिलीज करने से कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग करता है जितने भी पाथवेज होते हैं जो कैल्शियम चैनल पर रेगुलेट करते हैं या और भी सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे उनमें उनका आईपी थ्री क्योंकि उसने कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया है न्यूरॉन्स में या ब्रेन के अंदर भी कैल्शियम आयन रिलीज करके खासकर जो परकिजे सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्लास्टिसिटी कॉज करता है न्यूरोन्स की प्लास्टिसिटी और पीआईपी जो मॉलिक्यूल है वो स्लो ब्लॉक टू पॉलिस पर इसको कॉज करता है क्योंकि कैल्शियम आइन्स को ही रिलीज करेगा पी भी आईपी के थ्रू और ये कॉज करता है स्लो ब्लॉक टू पॉलिस परमी तो ये भी हम सेपरेटली अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी फर्टिलाइजेशन इन सीन तो वहां हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल स्पर्म्स के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं कैल्शियम आयंस तो ये कुछ फंक्शन थे इस पाथवे के पर्टिकुलरली हमें तो सिग्नल पढ़ना आईपी थ्री डेक पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है फंक्शन हम कंसर्ट सिग्नलिंग जब हम पढ़ेंगे टॉपिक्स को तो वहां भी आपको देखने को मिलते हैं कि पे के क्या है आईपी क्या है सो दिस इज ऑल अबाउट द आईपी थ्री डेक पाथवे विच इज दाथवे फ्रॉम द GPCR, other than the CAMP pathway, we have next discussed the IP3 DEC pathway. So, hope you would like the video. If you really like the video, kindly share and subscribe the YouTube channel Botany for All. Thank you very much. Have a good time.